दिस इज द मैट पेपर, ये अलग मैट पेपर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू आर वाचिंग सोहेल व्लॉग्स। तो कैसे हैं सब लोग? सब ठीक चंगा? ना भी बहुत अच्छा जा रहा है, मस्त जा रहा है। आप लोगों की दुआओं से चैनल काफ़ी फूल फल रहा है। और जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर दिए, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना सपोर्ट मिलेगा। सो वीडियो अगर सब अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा। सो आप लोगों की दुआ से अभी जितना भी सब्सक्राइबर है आई एम हैप्पी, अभी भी हैप्पी है, और आने वाले दिन में अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा उस टाइम भी खुश रहेंगे। तो आज का मेन मकसद है वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का। ये व्लॉग होने वाला है इन्फॉर्मेटिव फॉर द पीपल हु आर ओनर ऑफ रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक और एनी काइंड ऑफ मैट कलर बाइक। हाँ, मैंने अपने बाइक पे 350 सिग्नल्स पे मैट है वो, उसके ऊपर लैमिनेशन चढ़ाया था ग्लॉसी। उस वक्त वेलिंगटन में अवेलेबल नहीं था मैट, तो इस वजह से मैंने ग्लॉसी लगा दिया था। लेकिन अब वो उससे मेरा वो दिल भरने लगा है, उसको मैट फिनिश टोटल, पिछली बार सिर्फ टैंक में कराया था, इस बार टोटल कराने वाले हम पूरे बाइक पे। सो जो रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक सिग्नल्स, क्योंकि मैट अभी सिग्नल्स में है और एक ब्लैक में है मैट में, तो वो जो ओन करते हैं वो अगर लैमिनेट कराना चाहते हैं, रैप कराना चाहते हैं अपने बाइक को, क्योंकि मैट ऐसा है जो अगर आप स्क्रैच लग जाए तो मैट में दोबारा आप कलर नहीं चढ़ा सकते हो, वो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो उसको सेफ रखने के लिए मैट टैंक, मैट बाइक के लिए मैट लैमिनेशन आ गया है। सो अभी हम लोग चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैट लैमिनेशन कराने। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अगेन। जितना भी सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब किया चैनल को, टू यू ऑल थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑलराइट, सो वेलिंगटन पहुंच गया। वेलिंगटन में पहुंचने के बाद गाड़ी दे दिया है, जिसे पहले कराया था उसे हुआ नहीं, उसे हो नहीं पाया, मतलब वो है नहीं, इसीलिए कराना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी पूरा ख़राब हो चुका था, सो इसके लिए सोचा यहीं से आके कहीं से भी करा ले ढंग से। पूरा गाड़ी आज लैमिनेट होगा, आज पूरा गाड़ी लैमिनेट होने के बाद आपको दिखाएँ गाड़ी कैसा लगता है। फ़िलहाल कॉस्ट कितना लगा, क्या लगा, सब हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल गाड़ी का काम हो जाए, उसके बाद अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद ऑलराइट। सो टैंक का पुराना ग्लॉस जो था आप देख सकते हैं वो निकलना चालू हो गया है। दादा अपना काम करते हुए, और सामने एक बगल में एक और आदमी है वो काम कर रहे हैं, वो मडगार्ड खोल रहे हैं, खोल के उसको पूरा वो भी लैमिनेट होगा। और दादा आराम से चला, हाँ दाग नहीं लगे। माल पूरा लैमिनेट खुलते हुए, सो अब पेट्रोल से पूरा साफ, पुराना वाला लैमिनेट निकलने के बाद अभी पेट्रोल से पूरा इसको साफ़ किया गया है। उसका अब ये चकचका रहा है साफ़ होने के बाद, अभी इसमें नया लैमिनेट चढ़ेगा, तो अच्छा खासा टाइम जाने वाला है अभी। और बाइक लग रहा है खूबसूरत साफ़ होने के बाद। दिस इज द मैट पेपर, ये अलग मैट पेपर है, ये मैट इसके ऊपर चिपकेगा। मैट टैंक में मैट लैमिनेशन, इट विल लुक गुड। तो अब दादा काम चालू कर दिए हैं, अभी लंबा फुर्सत है काम होने में।
बने रहिए तब तक। राइट, सो इस साइड का हो गया, अभी साइड का काम पूरा चल रहा है। कितना देर लगेगा दादा पूरा होने में टैंक को? सिर्फ आधा घंटा, आधा घंटा टैंक को पूरा होने में लगेगा, और काम लेकिन अच्छा फिनिश पर हो रहा है। तो आए हुए करीबन अभी बज रहा है 4, आए थे 2:30 बजे, 3:30, 4, डेढ़ घंटा हो गया। अभी सिर्फ टैंक का काम हुआ है और दोनों बॉक्स का काम हुआ है, मडगार्ड वहाँ काम हो रहा है, दिखाया जा रहा है। ये भैया मडगार्ड का यहाँ काम कर रहे हैं। सो लेट मी शो यू द मडगार्ड फर्स्ट। सो मडगार्ड बन के रैप होके तैयार है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, और बाकी अब इसका कटिंग का काम चालू है। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ कटिंग का काम है, अब उस नीचे से जितना निकला हुआ वो कट होगा, कट होके पूरा दिन से शाम होने को आ गया है। पोजीशन कुछ ऐसा है कि काम हो गया पूरा, सब लग गया, मडगार्ड से फिटिंग होगा। फिटिंग होने के बाद आपको पूरा दिखाएंगे गाड़ी कैसा लगेगा, और गाड़ी में एक और टैंक के ऊपर कुछ कराए हैं, कराया नहीं, कराएंगे, कराने के बाद दिखाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द मैट लुक्स लाइक। यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, और गार्ड में हुआ है। राइट, सो इट वॉज़ अ वेरी टायरिंग डे। अभी टाइम हो गया है, देख सकते हैं स्क्रीन में, 8:19, 8:20 होने वाला है। सो टोटल जो काम था लैमिनेशन का करवा लिया। इससे पहले आप लोग अगर बोलो कि अगर मैट अभी करवाना ही था तो ग्लॉसी क्यों करवाया था, उस वक्त मैट अवेलेबल नहीं था और हमको अपना गाड़ी को सेफ रखना था टैंक को, इस वजह से हम करवा लिया था। सो अब मैंने मैट अवेलेबल हो गया था, एंड मैट इज़ द बेस्ट फॉर योर 350 सिग्नल्स। अगर कोई कराना चाहता है तो आप उसको करा सकते हैं। बाकी मैट कराने के बाद फिर स्टिकर भी लगवाया, एंड इट्स लुकिंग डैम गुड, डैम गुड। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक लाइक तो बनता है, और फॉर एवरी वन हु हैव सब्सक्राइब मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। और आगे भी अगर आप लोग चाहें तो वैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जस्ट स्टे हार्ड, ड्राइव सेफ, ड्राइव सेफ, स्टे सेफ। लोग आप इससे पहले बोले कि वो ग्लॉसी क्यों करवाया था अगर मैट करवाना था, तो उस टाइम ग्लॉसी अवेलेबल नहीं था, अब मैट अवेलेबल, उस टाइम मैट अवेलेबल नहीं था,